नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्माहर्ट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथाइल कोबालामिन टेबलेट्स के बारे में। दोस्तों, मिथाइल कोबालामिन को कहीं कहीं मी कोबालामिन भी लिखा होता है, तो दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। दोनों एक ही चीज़ होती हैं और अलग अलग ब्रांड से आती हैं, क्योंकि हर टैबलेट्स के अलग अलग ब्रांड्स होते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिथाइल कोबालामिन होता क्या है, इसका यूजेस कहाँ पे किया जाता है, इसके ब्रांड्स क्या होते हैं, इसकी डोज क्या होती है, और लास्ट में हम लोग बात कर लेंगे इसको ज़्यादा लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि मिथाइल कोबालामिन टैबलेट्स होती क्या हैं। दोस्तों, एक्चुअली मिथाइल कोबालामिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये विटामिन B12 के नाम से कुछ संबंधित है। तो कहने का मतलब ये कह सकते हो कि एक प्रकार का विटामिन B12 का सप्लीमेंट होता है। एक्चुअली डायरेक्टली अगर कहा जाए तो जो विटामिन B12 होते हैं उसके कुछ कोएंजाइम होते हैं, उसमें एक कोएंजाइम होता है मिथाइल कोबालामिन, और एक्चुअली इसको हम कह सकते हैं कि एक विटामिन B12 ही होता है जो कि टैबलेट के फॉर्म में किसी भी पेशेंट को दिया जाता है। दोस्तों, मिथाइल कोबालामिन एक्चुअली बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस और न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में सहायता करता है, और साथ ही में बहुत सारे और दूसरे काम भी करता है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ हम ब्रांड्स की बात कर लेते हैं कि मिथाइल कोबालामिन आखिर किस किस ब्रांड्स में आता है। एक्चुअली बहुत सारे ब्रांड्स में आता है। जो ब्रांड्स के मैं नाम बताने वाला हूँ, हो सकता है उसमें कुछ ब्रांड्स की मेडिसिन अब ना आती हों, पर चलिए ठीक है, यहाँ पे फोटोज़ लगाई गई हैं, आप उसको देख सकते हैं। और इसमें जो सबसे कॉमन ब्रांड होती है वो न्यूरोकाइंड होती है, जो कि आपको अक्सर हर मेडिकल शॉप पे देखने को मिल सकती है। तो एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, जैसे विगविन के नाम से आती है, कोविना एंड ड्रोबिनम के नाम से आती है, मेडिमिन के नाम से आती है, एंड न्यू कोबाल के नाम से, न्यूरोकाइन के नाम से आती है, जिसमें न्यूरोकाइन जो है मोस्ट कॉमनली हर मेडिकल शॉप पे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी और भी बहुत सारे इसके ब्रांड्स होते हैं, आप कोई भी ब्रांड्स ले सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है। दोस्तों, अगर मिथाइल कोबालामिन टैबलेट्स के यूजेस की बात करें तो इसका जो यूज़ होता है, सबसे पहली चीज़ जो कॉमन यूज़ होता है वो विटामिन B12 की डिफिशियंसी में होता है। साइनोकोबालामिन, जिसको हम लोग बोलते हैं विटामिन B12, उसकी कमी में हम लोग अक्सर मिथाइल कोबालामिन लेते हैं। तो अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि अगर आपके अंदर विटामिन B12 की कमी है तो आखिर आपके अंदर कौन कौन से लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, तो अगले स्लाइड में उसको देखेंगे। पहले अभी हम लोग देख लेते हैं कि मिथाइल कोबालामिन में हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। दोस्तों, दूसरी चीज़ जगह जो है जहाँ पर हम मिथाइल कोबालामिन यूज करते हैं वो होती है मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया। मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया एक्चुअली विटामिन B12 की कमी से ही होती है, तो वहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है। इसी तरह से हम लोग इसका यूज पेरिफेरल न्यूरोपैथी में करते हैं। एक्चुअली किसी भी प्रकार की जो न्यूरोपैथी होती है, न्यूरोपैथी का मतलब क्या होता है कि आपके न्यूरॉन्स थोड़ा सा मतलब उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से झुंझुनाहट सी महसूस होती है, नमनेस लगती है, मतलब झुंझुनाहट सी महसूस होती है शरीर में, मसल्स में। तो ऐसे कंडीशन में मिथाइल कोबालामिन यूज किया जाता है। अब वो न्यूरोपैथी पेरिफेरल हो सकती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है, अल्कोहलिक न्यूरोपैथी हो सकती है, इन सब जगह पे उसका यूज किया जाता है। दोस्तों, डिमेंशिया में भी मिथाइल कोबालामिन का यूज किया जाता है। एक्चुअली डिमेंशिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें याददाश्त कमजोर हो जाती है, तो याददाश्त को तेज करने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। अभी हम बात कर लेते हैं इस स्लाइड में कि जो सिम्टम्स होते हैं डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन B12 की, तो वो कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं, कब कब हमें मिथाइल कोबालामिन देना है, कैसे हम जानेंगे। तो सबसे पहले, अगर किसी के अंदर विटामिन B12 की कमी है तो उसके अंदर वीकनेस महसूस होगी, थकान सी लगेगी, थोड़ा सा सर भी दर्द हो सकता है, लाइट हेडेक हो सकती है। इसी तरह से हार्ट पैल्पिटेशन हो सकता है, मतलब आपके हार्ट थोड़े से सही से काम नहीं करेगा, साथ ही में जो ब्रीथ है उसकी शॉर्टनेस देखने को मिलती है, सांस जो है वो ज़्यादा सही से आदमी नहीं ले पाता, सांस फूलने लगती है। स्किन का कलर पेल हो जाता है, हल्का सा पीला हो जाता है, हल्का हो जाता है, और साथ में जो आपकी टंग है वो बहुत अजीब सी महसूस होती है, थोड़ी सी स्मूथ सी लगती है, और साथ ही में माउथ के अंदर कुछ अजीब सा स्वाद बना रहता है। इसी तरह से अगर कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट या पेट में गैस है, ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं विटामिन B12 की कमी की हो सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, न्यूरॉन्स से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, जिससे आपकी मसल्स वीक हो सकती है एंड चलने में आपको दिक्कत आ सकती है, तो जल्दी जल्दी थकान लग सकती है, मांसपेशियों में टिंगलिंग हो सकती है, कहने का मतलब नमनेस हो सकती है, यानी झुंझुनाहट हो सकती है आपके मसल्स के अंदर में, ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है। साथ ही में आपकी जो नज़र होती है वो कमज़ोर हो जाती है, अगर विटामिन B12 की कमी होती है तो नज़र धुंधली हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे कुछ सिम्टम्स होते हैं, ये सारे देख के हम जान पाएंगे कि विटामिन B12 की कमी है और फिर मिथाइल कोबालामिन यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आगे एक स्लाइड में बढ़ते हैं। एक्चुअली उससे पहले हमने कुछ यहाँ पे
छोड़ा हुआ है, इसको देख लीजिए, एक्चुअली मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो विटामिन बी12 होता है तो मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे डिप्रेशन हो सकता है, कुछ मेमोरी लॉस की शिकायत मतलब डिमेंशिया की शिकायत हो सकती है, और कुछ बिहेवियरल चेंज हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स थे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं मिथाइल कोबालामिन की डोज की, किसकी डोज हमें कैसे यूज करनी है। तो एक्चुअली ये आप ध्यान से देखें तो 1500 माइक्रोग्राम में आता है। तो 1500 माइक्रोग्राम का ग्राम का जो मिथाइल कोबालामिन होता है, एक्चुअली मिकोबालामिन होता है, उसको 2 या 3 डिवाइडेड डोज में 2 महीने तक डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। और अपने मन से ना लें, आप जैसा ही डॉक्टर को डॉक्टर बताएं आप इसको उसी तरह से लें, बाकी इस तरह से यूज किया जाता है। दोस्तों बात करें अगर प्रिकॉशंस की, तो इसकी कोई स्पेशल प्रिकॉशन नहीं है। हाँ, अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल के साथ में इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं तो यही कहूँगा कि अल्कोहल लेते हैं तो इसको अल्कोहल छोड़ दीजिए, मत पीजिए। दूसरी चीज़ जो है, इसको प्रेगनेंसी में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के प्रेगनेंसी में यूज़ ना करें, क्योंकि महिलाओं को कभी भी अपने मन से दवा नहीं खानी चाहिए। दोस्तों अब लास्ट में इसके हम साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं कि ज़्यादा लेने से क्या क्या समस्या हो सकती है। तो पहली चीज़ तो भैया नौजिया वोमिटिंग हो सकती है, उकाई आ सकती है, उल्टी हो सकती है, साथ ही में मसल्स क्रैम्प देखने को मिलता है, मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है, डायरिया की शिकायत देखने को मिलती है, ज़्यादा अगर खाओगे ना तो फिर GIT एडवर्स रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, मतलब आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में, आपकी आंतों में, ग्रास नली में, अमाशय में जो है बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। कुछ एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिल सकती है, जैसे स्किन रेसेस हो सकता है, मतलब चेहरे पे आपको दाग धब्बे दिखाई पड़ सकते हैं और लालपन देखने को मिल सकता है, साथ ही में वीकनेस महसूस होती है और हैवीनेस भी महसूस होती है शरीर में। तो ये सारी जो कंडीशंस थी, ये सारे साइड इफेक्ट थे जो कि मिथाइल कोबालामिन की वजह से होते हैं। दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात सारी कर ली मिथाइल कोबालामिन के बारे में। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।